फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर आपने कई बार फ्लाइट से ट्रेवल किया होगा, लेकिन आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि विद इन इंडिया ट्रेवल करने में हमें पासपोर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों, जल्दी ये नियम चेंज होने वाला है, और अब आप देखेंगे कि आगे जब भी आप विद इन इंडिया में भी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करेंगे तो आपको पासपोर्ट ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये नियम बन चुका है। तो ये नियम किसने बनाया, कैसे बना, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन पर घंटी पर क्लिक नहीं किया है तो आप इसको कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जल्द ही आपको घरेलू यात्रा में भी पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से नवभारत टाइम्स में ये न्यूज आई है। और आप देखिए, अगले 2-3 महीनों के बाद, मतलब जून जुलाई के बाद, आपको घरेलू यात्रा के दौरान आपको पासपोर्ट या आधार दिखाना पड़ेगा। इसमें हैरान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो नागरीय उड्डयन मंत्रालय, उनके सूत्रों के मुताबिक मौजूदा जो यात्री हैं जिनकी पहचान बहुत ही ज़रूरी है, जो बाहर से आए हुए हैं, आप भी देख रहे हैं दिल्ली में कई सारे लोग निगरो और इस तरह से, तो उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये नियम बनाया गया है। मंत्रालय जल्द ही एक नो फ्लाई नाम से लिस्ट जारी करने वाला है, जिसमें आपको 4 तरह के अपराधों के हिसाब से कार्रवाई तय होगी, और इस तरह के अपराध के लिए अलग अलग समय विधि का हवाई यात्रा बैन होगी। सपोर्ट अगर आप किसी केस के लिए पकड़े जाते हैं हवाई यात्रा के दौरान, तो आपको कुछ टाइम के लिए 2-3 महीने ये तो मंत्रालय डिसाइड करेगा कि उस ड्यूरेशन के लिए आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। और सूत्रों के मुताबिक ये भी पता पड़ा है कि इसे आगे लागू करने के लिए मंत्रालय बोल रहा है कि इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे यात्रियों की पहचान संभव हो सके। और आप भी जानते हैं कि ये संभव जब ही हो पाएगा जब हमको यात्रा के दौरान पासपोर्ट या आधार मांगा जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आगे भी फ्लाइट से यात्रा करना अब ईजी नहीं रहेगा, और हमें इसके लिए पासपोर्ट या आधार दिखाना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से ये एक तरह से सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे जो हमारी गलत जो भी गलत लोग हैं, या फिर जो जिनके पासपोर्ट फर्जी हैं, जिन्होंने जो यात्रा कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग हैं। पर हाँ, कुछ तरह से उन लोगों पर लगाम पड़ेगी, क्योंकि कई सारे लोग इंडिया में आते हैं और ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे धंधे करते हैं गैर कानूनी, तो उन सब के लिए इस तरह के सख्त नियम मेरे हिसाब से बनाने चाहिए। और आप मुझे बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपको क्या राय है इस वीडियो के बारे में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो कमेंट्स एरिया है उसमें अपने कमेंट्स भी लिखिए, और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपको अभी नवभारत टाइम्स के जो न्यूज़ चैनल में ये खबर आई है वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जल्द ही घरेलू सेवा में दिखाना पड़ेगा पासपोर्ट, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि अगले 2-3 महीनों के बाद घरेलू यात्रा में आपको दिखाना पड़ेगा पासपोर्ट। तो ये सच है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसमें सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।